जानना है हाउ यू कैन लैंड अ जॉब इन द वर्ल्ड ऑफ कोडिंग कौन सी स्किल सीखनी मैंडेटरी है आज मार्केट में नीड समवन जो आपके नॉन प्रोग्रामिंग बग्स को रिमूव करने में हेल्प करे तो है ना हम हेलो एंड वेलकम टू फिक्सिंग द बग बने रही फॉर ग्रेट टिप्स एडवाइस एंड अ जॉली गुड टाइम विदपर्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री एक पहेली पूछूं ऐसी क्या चीज है जो इंसान के एवोल्यूशन से चली आ रही है और उसके अंत तक चलती रहेगी सांस नहीं सांस तो डायनासोर भी लेते थे उसमें इंसान की जरूरत नहीं चलो दूसरी हिंट देती हूं। ये हर इंसान की जिंदगी में अलग अलग वेरिएशन में होती है किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम पर लाइफ टाइम चलती रहती है कंफ्यूज सिंपल है लर्निंग्स कहते हैं इंसान कभी सीखना बंद नहीं करता एंड दैट्स ट्रू हम हर पल अलग अलग चीज़ों के जरिए अलग अलग चीजें बातें एक्सपीरियंसेस सीखते हैं राइट सो एनी वन और एनी थिंग कैन अस बट द लर्निंग्स वी गेट फ्रॉम आवर टीचर्स यूजली हैव द मोस्ट इम्पैक्ट इन द लॉन्ग रन लाइक मेरे एक टीचर ने कहा था वी हैव वन माउथ एंड टू ईर्स सो वी लिसन ट्वाइस एज वी स्पीक बिलियन डॉलर वर्ड्स प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ में काम आते हैं सुपर वैल्यूएबल एडवाइस राइट आई एम श्योर यू ऑल्सो पर इस गुड एडवाइस की लिस्ट को और बढ़ाने के लिए वी आर गेटिंग इन अ अ विद, यस, प्रोफेसर। कौन है ये वट ऑल एडवाइस आर देयर इन स्टॉफ यूट फिक्सिंग अगर पता हो कि एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन मुश्किल समय में हाथ थाम लेगा सही रास्ता दिखा देगा तो जिंदगी से स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है अब आप कॉलेज में हो फ्यूचर की टेंशन है कॉम्पिटिशन को आउटडू करना है तो ऐसे में एक डायरेक्टर डॉक्टर नरेंद्र राणा से, तो से जिनके पास 14 साल से ज्यादा का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है ही हैज पी एच डी इन कंप्यूटर साइंस एंड इज कंटिन्यूअसली वर्किंग टू एनहांस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स तो ये रही हमारी कॉन्वर्सेशन मैंने रिकॉर्डिंग बाद में ऑन की तो सवाल दोबारा पूछ लेती हूँ डॉक्टर राना हेलो एंड वेलकम टू फिक्सिंग द कैसे हैं आप आई एम गुड हाउ अबाउट यू आई एम डूइंग ग्रेट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम तो सर सबसे पहले मैं आपके सोशल मीडिया पे आती हूँ आपने मेंशन किया है कि पिछले छः साल में आपके इंस्टीट्यूट का हंड्रेड परसेंट प्लेसमेंट रिजल्ट रहा विच इज़ अ बिग नंबर हंड्रेड परसेंट प्लेसमेंट वो भी छः साल तक सो आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो ये हुआ कैसे? आपने में क्या काम हम करते हैं उसका एक प्रोसेस है अगर आप वो प्रोसेस ओवर पीरियड ऑफ टाइम सेम तरीके से अप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट हर बार सेम आएगा so mm -hmm. it could be anything in life if you apply the same process again and again the results are going to be same so this is exactly what we did in education okay. so i think uh, 6 year is not a big deal the important thing was that the first year when we achieved 100% placement i think that was the year when we had to do all the research and hard work mm -hmm. so basically what we did for that is we went to different industries so we knew what kind of companies were coming to our college. So we went and understood the requirement of those companies that what are the skills that they look for in students. So it could be in terms of hard skills, in terms of programming, in terms of the subjects that they want the students to be proficient with, mm -hmm. and of course the soft skills also. So let's suppose we basically got an idea that they look for five or six subjects the student should be good with, and of course he should have a

पूरे एजुकेशन सिस्टम में आपको क्या लगता है कैसा चेंज होना चाहिए को या जिस को चला रहे हैं, उसका किस कंपनीज में उन बच्चों को जाना है आईटी सेक्टर में प्रोग्रामिंग स्किल्स सबसे इम्पोर्टेंट है तो अगर बच्चे की प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी हैं वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर या एक प्रोग्रामर बन सकता है लेकिन अगर उसकी दूसरी स्किल्स अच्छी हैं जैसे वो क्वालिटी एनालिस्ट भी बन सकता है या डिजाइनर भी बन सकता है तो कुछ बच्चे हो सकते हैं जो प्रोग्रामिंग में अच्छे नहीं है लेकिन वो आई में जाना चाहते हैं लेकिन उनकी डिजाइनिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं सो so, हमें सिर्फ ये दो कैटेगराइजेशन के के किस तरह की जॉब्स और हर जॉब लिए कौन सी स्किल्स चाहिए और फिर उनका मिक्स एंड मैच कि ये बच्चा इस स्किल के लायक है अगर हम उनको वो स्किल्स सिखा देते हैं तो आई थिंक प्लेसमेंट इज अ वेरी इजी थिंग इट इज इट इज आई थिंक द दस्ट जॉब इन द एजुकेशन सिस्टम ओके तो बच्चा ये खुद से आइडेंटिफाई कैसे कर सकता है कि मैं प्रोग्रामिंग में अच्छा हूँ या डिजाइनिंग में आई थिंक इसमें कॉलेज का बहुत बड़ा रोल है या टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि जब बच्चा एडमिशन लेता है या प्लस टू के बाद जैसे वो ग्रेजुएशन में अपना डिसीजन ले रहा होता है तो उसको ये क्लैरिटी नहीं होती उसको सिर्फ ये होता है कि मेरे को एक अच्छी जॉब चाहिए लेकिन वो किस रास्ते से मिलेगी मेरी केपेबिलिटी किसके लायक है ये बच्चे को नॉर्मली नहीं पता होता नहीं। जैसे हम लोग क्या करते हैं अपने कॉलेज में हम बच्चों का एक उनको प्रोग्रामिंग सिखाते हैं दस दिन के लिए बिफोर गिविंग दम एडमिशन हम एक काइंड ऑफ बूट कैंप करते हैं दस दिन के लिए और उनको हम सिखाते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है और उसके बाद हम उनका टेस्ट लेते हैं तो हम जिन बच्चों का हमें लगता है कि वो बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं हम उनको बता देते हैं लेकिन तीन कैटेगरी के बच्चे होते हैं एक तो जो हमें पता है कि हंड्रेड परसेंट प्रोग्रामर बन सकते हैं क्योंकि उनके अंदर वो एप्टीट्यूड या वो एबिलिटी है तो उनको हम क्लियरली बता देते हैं कि आपके लिए ये फील्ड बहुत अच्छी रहेगी दूसरी कैटेगरी होती है एवरेज बच्चे जो शायद थोड़ी मेहनत करेंगे तो कर सकते हैं लेकिन अभी अप टू द मार्क नहीं है उनको हम वो फीडबैक दे देते हैं लेकिन थर्ड कैटेगरी भी हम हमेशा आइडेंटिफाई करते हैं कि जो बच्चे हमें लगता है कि वो प्रोग्रामर नहीं बन सकते तो उनको हम दूसरी ऑप्शन देते हैं सो नॉर्मली जिन लोगों का लॉजिकल माइंड नहीं होता उनका आर्टिस्टिक बहुत अच्छा होता है तो हम उनको फिर डिजाइनिंग की ट्रेनिंग देते हैं और अगर वो वहां पे अच्छा करते हैं तो हम उसके हिसाब से सजेस्ट कर देते हैं तो बेसिकली हम बच्चे को हर एक ऑप्शन देते हैं उस ऑप्शन के साथ उसको कुछ दिन ट्राई करने की फ्रीडम देते हैं उसको सिखाते हैं उसको वो काम कराते हैं तो जिस एबिलिटी से वो दस दिन में पिक कर रहा है तो दो साल तीन साल जब वो पढ़ाई करेगा तो उसी एबिलिटी से उसी स्पीड से पिक करेगा तो हमें रिजल्ट पता होता है कि ये बच्चा किस फील्ड के लिए सबसे एप्रोप्रिएट है हाँ ये तो है अगर मैं खुद पे रख के देखूं कि 10 दिन की डिजाइनिंग या प्रोग्रामिंग लेके मुझे खुद डिसाइड करना हो किसमें आगे जाना है तो मेरेने मुश्किल होगा बट अगर एक टीचर की गाइडेंस हो साथ तो शायद उससे थोड़ी बात आसान हो जाए एक्जेक्टली exactly. तो आपके इंस्टीट्यूट ने कोर्ट क्वेश्चन के साथ पार्टनरशिप की टू तो इंप्रूव द एजुकेशन स्ट्रक्चर ऐसे में लर्नर्स का रिस्पांस कैसा रहा है हाउ डिड दे एक्सेप्ट इट बच्चों का रिस्पांस पॉजिटिव था एक्चुअली अभी हमने कोर्ट क्वेश्चन के साथ जो पार्टनरशिप की है वो हमारा फर्स्ट ईयर है सो एजुकेशन सिस्टम में किसी भी चीज को पॉपुलर करने के लिए या उसका रिजल्ट देखने के लिए के हमें एक साइकिल पूरी चलानी होती है कोड क्वेश्चन के साथ हुँ. जो दो प्रोग्राम्स हैं एक इंटीग्रेटेड बीसीए हम चला रहे हैं और एक सुपर कोडर है सो सुपर कोडर प्रोग्राम हमने चलाया है उसमें क्या था कि हमारे हुँ. बच्चे ऑलरेडी रेडी थे कोड क्वेश्चन ने उनको असेस किया और उनके लेवल के हिसाब से उन बच्चों को किस कंपनीज में भेजा सो so, uh, हमारे दो बीसी के बच्चे सात लाख के पैकेज पे प्लेस हुए इज अ वेरी गुड अचीवमेंट क्योंकि मेरे को पता है कि इस रीजन में आज तक कभी कोई उस पैकेज पे नहीं गया लेकिन वो बच्चे हमने अपने तरीके से तैयार किए थे जो दूसरा हमारा प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड डिग्री उसमें कोड क्वेश्चन फर्स्ट ईयर से इन्वॉल्व होके जो ब्राइट बच्चे होंगे उनको फर्स्ट ईयर से गाइड करेगा यानी कि अभी उन्होंने सिर्फ जज किया था लेकिन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में वो तैयार भी बच्चे को करेंगे और वो इस लायक उसको दो साल में बना देंगे कि जब सेमेस्टर में BCA के बच्चे की प्लेसमेंट हो तो अभी तक अफकोर्स बच्चा तो कोई भी ये चाहेगा कि उसको अच्छी कंपनी अच्छा पैकेज मिले तो उस तरह से रिस्पॉन्स अच्छा है लेकिन जब हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे क्या चैलेंजेस आते हैं कितने बच्चे आते हैं तो धीरे धीरे क्लैरिटी हो जाएगी बट हाँ ओवरऑल एज अ मॉडल जो हमने देखा है वो काफी अच्छा है जो कंटेंट है वो काफी अच्छा है कोड क्वेश्चन का प्लेटफॉर्म काफी अच्छा है तो अफकोर्स जो भी एजुकेशन है उसमें हमें बहुत ज्यादा मतलब थर्टी फोर्टी फिफ्टी परसेंट का क्वालिटी में इंक्रीमेंट आसानी से मिल जाएगा ओके okay. सो so, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि अगर हम अपनी ओवरऑल स्किल्स इंप्रूव करें तो जॉब मिलने में आसानी होगी बट अकॉर्डिंग टू द आईटी रिक्वायरमेंट्स क्या चीज ज्यादा हाईलाइट होके आती है क्वालिटी लर्निंग और क्वांटिटी लर्निंग हमेशा क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी लेकिन क्वांटिटी uh, अगर बिना क्वालिटी के है तो आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस क्योंकि आपने बहुत सारे बच्चों को कोई भी कोर्स करा दिया बी टेक या बीसीए करा दी लेकिन उनको काम नहीं आता तो आप कितने भी बीसीए बना लो आई थिंक दे आर जस्ट गोइंग टू एड टू द अनइम्प्लॉयबल वर्क जो हमें नहीं करना चाहिए सो so हमेशा पहले क्वालिटी आनी चाहिए एक बार आपने क्वालिटी एस्टेब्लिश कर ली तो हमें उसको स्केल करना चाहिए सो फॉर एग्जांपल मैं आपको बैचेस बता रहा हूं जो फर्स्ट बैच था उसमें शायद 15 ही बच्चे थे तो हमने पंद्रह बच्चों पे बहुत मेहनत करके उनको बहुत अच्छा बनाया था लेकिन नेक्स्ट ईयर वो थर्टी थे उससे नेक्स्ट ईयर वो 60 थे उससे नेक्स्ट ईयर वन ट्वेंटी थे सो दैट इज द लिमिट टू विच वी हैव तो हमने उसको धीरे धीरे एक प्रोसेस को एक क्वालिटी को पहले एंश्योर किया और फिर उसको स्केल किया लेकिन आज की डेट में आई थिंक क्वांटिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले दो साल से जो आईटी में रिक्वायरमेंट्स हैं तो कोई भी एक दो कॉलेज दस कॉलेज उसको मिलके पूरा नहीं कर पा रहे तो क्वालिटी पहले आने चाहिए और फिर उसको स्केल करना है क्वांटिटी की टर्म्स हम्म मेरे एक टीचर ने मुझे एक बार कहा था कि ऐसा बोला जाता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन पर आज की दुनिया में वॉट्स इम्पोर्टेंट इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ वन येस तो आई थिंक वो यहाँ पे एम्प्लॉय होता है एग्जैक्टली exactly. तो so, अभी हम हार्ड स्किल्स के बाद सॉफ्ट स्किल्स की बात करें तो आपको क्या लगता है की

और उनके बिना तो हार्ड स्किल्स का भी शायद कोई यूज नहीं होगा तो सॉफ्ट स्किल्स तो बच्चों को इम्प्रूव करनी ही पड़ेगी झेलना कि आना चाहिए तो प्रेशर कैसे झेले बच्चा प्रेशर बच्चा ऐसे झेलेगा कि उसने अपनी जिंदगी में जो सिचुएशंस पहले हैंडल की हैं वो वैसी होनी चाहिए जैसी सिचुएशंस उसको कल को कंपनी में हैंडल करनी होगी सो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक अगर प्रोग्रामिंग से ही एग्जाम्पल दू तो आईटी कंपनी में एक वर्क प्रेशर क्या होगा कि उनको एक टास्क मिला और उनको कहा गया कि ये काम आपने दो दिन में करना है सो तो अगर बच्चे को कॉलेज में वो एनवायरमेंट मिलेगा कि उसको एक सॉफ्टवेयर बनाने को मिला और उसको दो दिन में कंप्लीट करना है नो मैटर बच्चा आ, कॉलेज में चार घंटे एक्स्ट्रा लगा रहा है या वो घर पे जाके भी छह घंटे पढ़ रहा है लेकिन उसको दो दिन में वो असाइनमेंट सबमिट करनी है तो वही वर्क प्रेशर कल को कंपनी में भी एग्जैक्टली exactly वैसा ही होता है तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता तो कॉलेजेस को उनको वो एक रियल लाइफ एनवायरमेंट देना चाहिए ताकि उनको ये पता हो कि हमें हर काम टाइम पे कंप्लीट

हाउ ट्रू इज इट कि हाँ कॉलेज कर लो तो लाइफ सेट है आई डोंट थिंक के ये स्टेटमेंट ट्रू uh, है सो so, ये uh, इसको मैं एक इंडियनिज्म बोलूंगा सो आई डोंट थिंक के आज की लाइफ में ये एटीट्यूड चलता हुँ. है बेसिकली अगर आपने भी uh, कभी न्यूज में सुना होगा कि हमारी जो नेस्कॉम की रिपोर्ट है वो यही बोलती है कि हमारे ऑलमोस्ट 80 परसेंट ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल हैं और उसमें से भी एट्टी परसेंट ऐसे हैं जो ट्रेनेबल hmm. भी नहीं है बेसिकली एट्टी परसेंट को जॉब नहीं मिलती लेकिन जिनको जॉब नहीं मिलती उनमें से भी एट्टी परसेंट ऐसे हैं जिनको हम चाह के भी उनको अच्छा इंप्लाय नहीं बना सकते सो आई थिंक वो हमारे देश के लिए समाज के लिए एक बहुत बुरी चीज है तो हमें uh, ये एटीट्यूड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए आई थिंक इस स्टेटमेंट को हमें चेंज करना चाहिए और इसका uh, इसका जो नया वर्जन होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि स्किल्स हैं तो लाइफ सेट है ओके okay, तो जैसा आपने बताया कि रिपोर्ट्स कहती हैं अनएम्प्लॉयड लोगों में एट्टी परसेंट ऐसे हैं जिन्हें ट्रेन भी नहीं किया जा सकता सो हाउ डज़ दैट हैपन हमारा करिकुलम तो हर कॉलेज में ऑलमोस्ट सेम होता है तो इसमें वेयर डू वी लैग आई थिंक नाइंटी परसेंट ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पढ़ना कैसे है हम उसको कोई कॉन्सेप्ट नहीं सीखाते हैं, हैं कि आपको रोज का काम रोज कंप्लीट करना है उसका लॉजिक क्या है अगर हमने बच्चे को चैप्टर वन सिखाया और उसने वो ध्यान से नहीं पढ़ा mm. या उसके कॉन्सेप्ट उसके क्लियर नहीं हुए और हमने क्लास में सेकंड चैप्टर शुरू कर दिया उसको फर्स्ट चैप्टर नहीं आता तो सेकंड चैप्टर के कॉन्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर के ऊपर बेस्ड होते हैं तो उसको सेकंड चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा और हमने थर्ड चैप्टर शुरू कर दिया अगर आपने बच्चे को पहले एक महीने में उसको अच्छे से नहीं सिखाया और आपने सिलेबस आगे चला दिया मतलब ये ये दस बच्चे भी हो सकते हैं क्लास में और ये साठ में से पचास बच्चे भी हो सकते हैं वो hmm. तो बच्चे जिंदगी में कभी भी उस सारी चीजों को कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बेसिकली शुरू से थोड़ा वीक थे या पढ़ाई में थोड़ा स्लो थे और उनका इतना बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है कि वो दोबारा कभी उससे बाहर नहीं आ पाते तो जब हम कहते हैं कि बच्चे ट्रेनेबल नहीं है तो बेसिकली उन्होंने इतना सारा बैकलॉग इकट्ठा कर लिया कि अब उनके लिए पॉसिबल नहीं है उन सब चीजों को दोबारा से करना सो हमें बच्चे को हर स्टेप पे उसको उस स्टेप तक उस दिन तक जितना आना चाहिए ये इंश्योर करना बच्चे का टीचर्स का और कॉलेज के रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपको 100 परसेंट प्लेसमेंट जैसा या एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम बनाना है हुँ. सो so हर स्टूडेंट एक गिवन uh, टाइम पे एक लेवल पे होना चाहिए पर इसको इंश्योर करने में सिर्फ टीचर्स की तो मेहनत नहीं लगेगी बच्चों को भी अपने इनपुट्स देने पड़ेंगे I think that is where uh, the institute comes in. So आपने पहले कहा कि हम साल से प्लेसमेंट सो ऑफ कोर्स के हमने उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकाला होगा सो so उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने चैप्टर वन पढ़ाया तो चैप्टर वन कंप्लीट करने के बाद चैप्टर टू शुरू करने से पहले मैं उस चैप्टर वन का पूरा टेस्ट लूंगा प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी हुँ. तो क्लियर कर लिया लेकिन शुरू कर देते हैं हम क्या करते हैं है, लेकिन हम दो दिन वेट कर सकते हैं और दो दिन हम उस बच्चे पे एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं कि सब बच्चे अगर चार बजे घर जा रहे हैं तो वो बीस बच्चे दो घंटे एक्स्ट्रा रुकेंगे हम उनको एक्स्ट्रा क्लास देंगे और दोबारा से उनका टेस्ट लेंगे क्लियर हो जाएंगे तो हम उन पांच बच्चों पे भी एक बार दोबारा कोशिश करेंगे तो ये जब हम प्रोसेस बेसिकली वीक बच्चों को थोड़ा सेग्रीगेट करके और उनको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं तो उस रेशो को उस नंबर को हम इंक्रीज कर पाते हैं तो ऑफकोर्स वो दोनों की तरफ से एफर्ट है क्योंकि वो बच्चा भी रोज अगर बाकी बच्चे चार बजे घर जाते हैं तो वो छह या सात बजे जाते हैं तो उसकी रोज दो घंटे की एक्स्ट्रा क्लास लग रही है ऐसे ही हमें सब बच्चों को एक लेवल पे लाने के लिए उनको धीरे धीरे सेग्रीगेट करके अलग 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 लेवल पे अलग -अलग उन बच्चों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है वेल well, इस सिचुएशन में आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो जब हम ऐसा करते हैं कि जो बच्चे वीक है उन्हें अलग से पॉइंट आउट कर देते हैं कि तुम पांच को समझ में नहीं आया तो बच्चा और बुरा फील करने लगता है वो यू थिंक ये होता है लेकिन ये बहुत शुरू में होता है दिस इज वेयर द काउंसलिंग ऑफ द टीचर्स आप बच्चे को ये शो कर रहा हूं कि आप नलायक हो और मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास ले हुँ. रहा हूं तो शायद ये एक स्टेटमेंट है लेकिन अगर मैं बच्चे को शुरू सेगजाम्पल so हमारे यहाँ क्या होता है दो बोर्ड से बच्चे आते हैं एक सीबीएससी बोर्ड से एक हरियाणा बोर्ड से सीबीएससी बच्चा जल्दी इंग्लिश पिकअप कर पाता है तो ग्रेजुएशन सिर्फ इंग्लिश में हो रही right. है वो प्लस टू हिंदी से करके आया सीबीएसई वाला इंग्लिश से करके आया वो थोड़ा इजिल चीजों को समझ लेता दिमाग इक्वल है दोनों हाँ। में लेकिन सीबीएसई का बच्चा थोड़ी जल्दी पिक करा है मैंने हरियाणा बोर्ड के बच्चे को कहा बेटा आपकी क्योंकि स्कूल में इंग्लिश अच्छी नहीं थी तो हम आपकी दो घंटे इसलिए एक्स्ट्रा लगा रहे ताकि आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव कर सके और

से निकल के थोड़ा बाहर आए तो

मेरी पर्सनल डेफिनेशन में जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट बेसिकली uh, uh, right. so बच्चे की प्रॉब्लम और उसने सोचा कि अभी तो एग्जाम बहुत दूर है अभी पढ़ने की जरूरत क्या है हाँ. तो जो पूरी एजुकेशन सिस्टम की हमारी प्रॉब्लम है बच्चे के प्रस्पेक्टिव से जो उसको चीजें नहीं आती वो शायद उस एटीट्यूड से शुरू होती है सो so हम बच्चों को uh, इंडक्शन के टाइम पे और शुरू के एक दो मंथ में जब हम नए बच्चे को एडमिट करते हैं तो उसका टारगेट है छह महीने का टारगेट है तो छह महीने बाद उसने एग्जाम देने है या दो साल बाद उसने प्लेस होना है सो so, अगर उसका रोज का काम रोज कंप्लीट है तो दो साल बाद का टारगेट भी उसका हंड्रेड मीट होगा सो मैं बच्चों को जो फर्स्ट चीज सिखाता हूँ जो उनको नहीं करनी चाहिए वो जो टालने का एटीट्यूड होता है कि ये आज का काम कल कर लेंगे वो मेरे को लगता है किसी भी बच्चे को नहीं करना चाहिए उनको आ, आ, ये प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर ओके सो वी अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहिए एंड वी शुड बी अटेंटिव इन क्लास पर इसके अलावा व्हाट डू यू थिंक जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है उसकी क्या क्वालिटीज उसे आउटस्टैंडिंग बनाती हैं सो आई थिंक प्रस्टिनेशन का ऑपोजिट कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी भी है फिर तो भी ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं जो सबसे स्मार्टेस्ट स्टूडेंट होते हैं उनकी एक आदत हमेशा कॉमन ये होती है कि वो लोग घर जाके डेली बेसिस पे पढ़ते हैं तो उनका नहीं होता कि एग्जाम्स आएंगे या जब मिड टर्म से आएंगे तब पढ़ लेंगे वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है कि मैंने कोई टॉपिक आज समझाया वो बुक में लिखा हुआ है सो बच्चा जब घर जाके उसी दिन उस बुक को पढ़ता है तो वो कोरिलेट कर पाता है कि टीचर ने जो समझाया था वो बुक में ऐसे लिखा है क्योंकि छह जब वो एग्जाम की तैयारी करेगा तो उसको टीचर की बात नहीं याद होगी जो बुक में लिखा है वो वो रिवाइज करेगा तो वो कनेक्शन एक बार अगर नहीं बनता तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है तो ब्राइटेस्ट स्टूडेंट वही होते हैं जो अपनी रेगुलर स्टडीज करते हैं और वो अपना काम हमेशा कंप्लीट रखते हैं तो, अपडेट रहते हैं तो

अगर किसी को अपनी अच्छी वर्क प्रोफाइल बनानी है उसकी डिग्री और मार्क्स तो उसके कैलेबर की रिफ्लेक्शन है ही पर प्रोफाइल एनहांस करने की कोई ऐसी टेक्निक जिससे उसको खुद में भी कॉन्फिडेंस आए और वो रिक्रूटर्स को भी दिखा सके कि मैंने ये किया है जब भी कोई इंटरव्यू होता है किसी भी फील्ड का हो

उसका कुछ ना कुछ आउटपुट की फॉर्म में जो वो दूसरे लोगों को इंटरव्यूअर uh, को दिखा सके वो जरूर बनाना चाहिए सो so, वो फर्स्ट स्टेप है एक एक बार आपने एक दो प्रोजेक्ट्स uh, बना लिए तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे और दूसरा आप वो चीज आगे इंटरव्यूअर को शो कर सकोगे अगर उसके बाद बच्चे के पास टाइम है और उसको अच्छे से प्रोग्रामिंग आ गई है सो माई नेक्स्ट सजेशन इज दे शुड गो एंड डू सम इंटर्नशिप प्रोजेक्ट so क्या है प्रोजेक्ट एक डमी कॉन्सेप्ट है कि मैंने कोई एग्जांपल देखा और मैंने उसको बनाने की कोशिश हुँ. की या फेसबुक को रेप्लीकेट कर लिया या किसी भी वेबसाइट को रेप्लीकेट कर लिया अगर वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं लेकिन इंटर्नशिप एक लाइव काम होगा आप कंपनी में जाओ और आप उन लोगों को बोलो कि स्टाइपेंड बेस या इवन फ्री में भी अगर आपको कोई कुछ काम देता है जो लाइव है तो वो आपको लर्निंग ज्यादा देगा तो बच्चे को एक बार प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद इंटर्नशिप में जाना चाहिए क्योंकि इंटर्नशिप उनको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस देगी और अगर बच्चे के पास उससे भी ज्यादा अबिलिटी और टाइम है तो उसको इंटर्नशिप के बाद उसको फ्री लैंसिंग कंसल्टेंसी या प्रोजेक्ट्स करने चाहिए क्योंकि तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हंड्रेड परसेंट प्रोजेक्ट की होगी तो मेरे को लगता है कि कोई बच्चा अगर ये तीनों स्टेप्स कर लेता है सो ऑफ कोर्स इन तीनों का बेस एक, अच्छा एक 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 अच्छा लर्निंग लर्निंग या एबिलिटी है बार उसने पूरा काम सीख लिया तो प्रोजेक्ट बनाए प्रोजेक्ट के बाद किसी अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप करे अगर इंटर्नशिप भी उसने अच्छे से कर लिया तो वो एक फ्री प्रोजेक्ट करे क्योंकि तो उसको एक प्रोजेक्ट के सारे जितने भी उसमें जो जो करना होता है उन सब चीजों के बारे में पता चलेगा सो आई थिंक अगर कोई इतना कर लेता है है तो कोई भी बच्चा अपनी कंपनी मेरे को लगता चूज़ करके भी उस कंपनी में जा सकता है नॉट जस्ट hmm. कोई जॉब मिल जाएगी बट वो टारगेट करके कंपनी और प्रोफाइल में भी जा सकता है राइट right. प्लस आज हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं अपवर्क है जस्ट दैट है, है. Exactly. हमारा काम अच्छा होना चाहिए काम अच्छा होना. ये तो है बट अगर हम देखें तो सब कहते हैं रेज्यू में अच्छा बनाओ पर्सनालिटी डेवलप करो खुद को ढंग से प्रेजेंट करो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करो बट कोई नहीं बताता कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं और हमें कैसे उन्हें अक्वायर करना चाहिए सो हाउ कैन वी रिज़ॉल्व दैट

सो फॉर एग्जांपल रिज्यूमे राइटिंग है या ग्रुप डिस्कशन है या मॉक इंटरव्यूज है इंटरव्यू प्रेपरेशन है बेसिकली इंट्रोडक्शन कैसे देनी है hmm. वो सब कुछ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वाले मॉड्यूल के अंडर आती हैं सो so, ये जो एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल uh, है दिस इज जस्ट लाइक 5% ऑफ देयर टोटल एफर्ट व्हाट डस रिज्यूमे शो रिज्यूमे शोस द वर्क दैट आई हैव डन सो so, मेरे को अपनी क्वालिफिकेशंस हर किसी को पता है मेरी परसेंटेज कितनी है वो सबको पता है लेकिन अगर मैंने पांच प्रोजेक्ट्स बनाए उन पांच प्रोजेक्ट्स को रिज्यूमे में किस जगह हुँ. पे रखना है सिर्फ रिज्यूमे राइटिंग वहीं तक है सो आई थिंक इट इज एज सिंपल एज दिस के अगर हम अपने बच्चों को एक फॉर्मेट भी दे दें और उनको बोले कि इस फॉर्मेट में अपना सारा डेटा फिल कर लो लेकिन उनका डेटा स्ट्रांग है सो आई थिंक इन टू आवर्स टू ईयर जॉब सेम इज अगर आपने बच्चे को कम्युनिकेशन सिखा दी वो एक लॉन्ग टर्म चीज है लेकिन अगर बच्चे की इंग्लिश अच्छी है और आप उसको बोल रहे बताओ और उसको क्लैरिटी है की मैंने ये ये प्रोजेक्ट बनाया मेरी कॉलेज में ये परफॉर्मेंस थी मैंने अपनी जिंदगी में ये अचीवमेंट इट इज जस्ट अबाउट टेलिंग थिंग्स सो उनका एक स्ट्रक्चर है कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में बताना चाहिए सो इफ यू टीच अ स्टूडेंट इन टू आवर्स दैट हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड यू डू टू थ्री राउंड ऑफ मॉक इंटरव्यू विद देम आई थिंक इट इज सॉर्टेड सो दीज इंप्लायोबिलिटी स्किल्स आई थिंक आर ओवर रेटेड इट डोंट टेक लॉट ऑफ टाइम

ज के बच्चे को एक एम क्लियर होना चाहिए आई थिंक बच्चे जहां कंफ्यूज होते हैं वो फ्यूचर टेंस वाले क्वेश्चन पार्ट पे कंफ्यूज होते हैं कि बच्चे को ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैंने ये कोर्स क्यों किया था और अल्टीमेटली मेरा एम क्या है या मैं अपने आपको दो साल बाद पांच साल बाद दस साल बाद कहाँ देखता हूँ सो आई थिंक वो बच्चे को हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करानी चाहिए या uh, मतलब बच्चों को एक एक्सपोजर ऐसा देना चाहिए कि वो उनका टारगेट लाइफ में क्लियर हो सो वो एक्सपोजर हम कैसे दे सकते हैं उनका थ्रू इंडस्ट्री इंटरेक्शन दे सकते इन माई एजुकेशन सिस्टम हम क्या करते हैं हम बच्चे को अपने एक साल सीनियर जो प्लेस हो चुके हैं दो साल सीनियर senior...

उस कंपनी के दो लोगों से भी LinkedIn पे या फेसबुक पे वो एक कनेक्शन बना लेता है सो आई थिंक एज ह्यूमन टेंडेंसी टू हेल्प और IT में तो हर किसी को इम्प्लॉय की जरूरत है सो so अगर वो networking, अगर बच्चे को अपना फोकस क्लियर होगा और वो नेटवर्क को रेडी रखेगा सो बेसिकली नेटवर्क बनाने में टाइम लगता है लेकिन नेटवर्क बनाने का फायदा क्या होता है जिस दिन पे आपको उसकी जरूरत है उस दिन आप उसको लीवरेज कर सकते हो सो so अगर उसको उस कंपनी में दो साल बाद या एक साल बाद या जब वो लगता है कि उसके लिए रेडी हो गया और उसमें इंटरव्यू देना है वो अपना नेटवर्क जितना स्ट्रॉन्ग रखेगा कल को जब उसको हेल्प की जरूरत होगी उसके बाद उतने ही लोग होंगे हेल्प मांगने के लिए बिल्कुल वेल well, आपसे बात करके मुझे इतनी क्लैरिटी मिली है एम श्योर sure, बाकी सबको भी काफी क्लैरिटी मिल पाएगी नाउ एज़ वे रंचिंग टूवर्ड्स दी एंड तो आपने बताया कैसे रिसर्च के बाद आपके इंस्टीट्यूट ने हंड्रेड परसेंट प्लेसमेंट अचीव की उ वट आर द फ्यूचर प्लान आप आगे और कैसे इम्प्रूव करेंगे हम इन टर्म्स ऑफ स्केल ज्यादा सोच रहे हैं सो वट वी वट वी आर थिंकिंग इज के जो भी हमने प्रोसेस बनाया वो काफी अच्छा है नो डाउट वी वॉन्ट टू इम्प्रूव सो इम्प्रूवमेंट इज इन टर्म्स ऑफ पैकेजेस इम्प्रूवमेंट इज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूवमेंट इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ कंपनीज वी आर ब्रिंगिंग सो वो एक फैक्टर जरूर mm -hmm. है इम्प्रूवमेंट का लेकिन आई थिंक इन एजुकेशन वन थिंग दैट वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर इज So आपके पास जिंदगी में क्या क्या ऑप्शन है और आपको आप किस किस ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं और किस ऑप्शन का क्या फायदा नुकसान है सो so हम हमेशा अपना जो तो पूरा एजुकेशन प्रोसेस है वहां से शुरू करते हैं सो एंड वी डू इट एवरी इयर So, hmm. वो एक अवेयरनेस है एक बार वो अवेयरनेस क्रिएट होगी तो हम नहीं चाहते कि बच्चे ने सुना hmm. कि ये कोर्स अच्छा है एडमिशन वो वो ले ले हम चाहते कि लेने से पहले वो एक बार उसको uh, मतलब फील uh, करके देखे या एक बार गो थ्रू हो hmm. उसमें उसको उस फील्ड में करना क्या है तो अगर उसको दस दिन में वो अच्छा लगा तो उसको दो साल तक वो अच्छा ही लगेगा लेकिन अगर उसको 10 दिन में वो बहुत बुरा लगा तो वो भर उसको करने का हो सकता है कि हमने वो सौ बच्चों के साथ किया तो हम चाहते कि अगली बार हम वो दो के साथ करें तो स्केल स्केल हम हमेशा बढ़ाना चाह रहे हैं एंड देन ऑफकोर्स जो बच्चे आ जाते हैं वी वॉन्ट टू गिव देम द बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन इस बार हमने अगर बच्चों को ओवरऑल क्लास को हम लेट से ऑन स्केल ऑफ टेन सारे बच्चों को हम एवरेज पांच तक ले जा पाए थे इन टर्म्स ऑफ देयर अबिलिटी टू प्रोग्राम वी वॉन्ट के नेक्स्ट ईयर हम कम से कम 4.5 या 6 जाए ताकि धीरे धीरे जो ओवरऑल क्लास की एवरेज एबिलिटी है हार्ड की है especially, वो धीरे-धीरे होती रहे तो वो एक चीज हम हमेशा बहुत एफर्ट करते हैं उसके लिए एक बार बच्चा हमारा रेडी हो जाता है तो हम चाहते हैं कि जितनी बेटर कंपनीज हम हर साल ला पाए और बच्चों को अच्छे पैकेजेस पे अच्छी वर्क कल्चर वाली कंपनीज में भेज पाए वो हम कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहते हैं जो जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल लास्ट ईयर हमारे कॉलेज के जब हंड्रेड परसेंट प्लेसमेंट थी तो जो बच्चों का एवरेज पैकेज था वो थ्री पॉइंट टू फाइव के आसपास था इस बार वो पांच है सो वी हैव इंक्रीज लाइक वन पॉइंट सेवन फाइव इट इज नॉट प्राइमरलीस्ट बिकॉज ऑफ आर एजुकेशन इट वॉज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द डिमांड बट इट वॉज ऑल्सो हमने नई कंपनी के साथ ट्राई किया अच्छी कंपनी को हमने लाने की कोशिश की जो कंपनी पिछले बार हमें कम पैकेज वाली या अच्छा फीडबैक नहीं मिला उनको हमने नहीं लाई mm -hmm. इस बार सो so कॉन्स्टेंटली वो उसमें हम काफी इंप्रूवमेंट करते हैं क्योंकि पढ़ाई तो इम्प्रूव हम कर ही mm -hmm. रहे हैं लेकिन जितनी अच्छी अपर्चुनिटीज बच्चों को देंगे बच्चों को उतने अच्छे पैकेजेस मिलेंगे एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा एलुमिनाय कनेक्ट hmm. है हम उसको इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं जो so हमारे जितने भी एलुमिनाइज हैं सब हमारे टच में होते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारी हर चीज में हेल्प hmm. करे सो हंड्रेड परसेंट प्लेसमेंट वाज आर प्लान वन विच वी हैव अचीव्ड और वो काफी साल से अच्छा चल रहा है सो so, ऑफकोर्स उसको थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रहे हैं लेकिन एजुकेशन के अलावा जो मेरा ज़िंदगी hmm. में दूसरा ड्रीम था जो मैं एजुकेशन में चेंज करना चाहता था दैट वाज़ कि हमारे इंडिया में कई बार एजुकेशन अफोर्डेबल भी नहीं है सो right. so, जिन लोगों को एजुकेशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है नॉर्मली वो लोग अच्छे कॉलेजेस अच्छे कोर्सेज को अफोर्ड ही नहीं कर सकते hmm.

वो भी हमारी किसी तरह वेव ऑफ हो जाए so, उसके लिए हम एल्यूम को भी रोप इन करना चाह रहे हैं और लेना भी सीखने को मिलता है एग्जेक्टली exactly. सो so, जब वो काम करेगा और उस काम से वो फीस देगा तो बाकी सारी प्रॉब्लम तो अपने आप ही खत्म हो जाती है एक सेंस ऑफ फ्रीडम भी आती है कि अरे मैंने अपने मम्मी डैडी से पैसे नहीं लिए एग्जैक्टली सो अमेजिंग तो अभी जाने से पहले थोड़ा एक लाइट क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं आपसे विच इज़ की यू आर अ प्रोफेसर अभी एंड काफ़ी वक्त तक आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया बट एक टाइम था जब आप भी स्टूडेंट थे तो अगर आप अपने स्टूडेंट सेल्फ से मिलो तो आप उससे क्या बात करोगे क्या चीज़ें बताओगे दो पार्ट होते हैं एक हमें अपने करियर को लेके फोकस्ड होना चाहिए हमें अपना एक आ, करियर स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए और एक शायद कॉलेज लाइफ का फन पार्ट होता है कि आप आपको 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 अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना चाहिए चाहिए ट्रिप्स पे जाना पार्टीज में जाना चाहिए सो आई थिंक फन पार्ट मेरी पर्सनली लाइफ में तो शायद हमने कभी कोई कमी नहीं रखी थी लेकिन शायद उतने करियर फोकस्ड या स्किल फोकस्ड नहीं थे क्योंकि आई थिंक रीजन यही था कि कभी वो गाइडेंस नहीं मिली थी सो

तो आई होप अभी जो स्टूडेंट्स हैं, जो सही रास्ता ढूंढ रहे हैं उन्हें एक लाइट दिख गई हो सो देविगेटर शोर अगेन थैंक यू सो मच फॉर इजी कॉन्वर्सेशन थैंक थैंक यू सो मच सो काफी डिटेल में थी ना कॉन्वर्सेशन हर चीज के बारे में पता चला सिस्टम में क्या इम्प्रूवमेंट्स है हम खुद कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हार्ड स्किल्स जॉब प्रोफाइल वेक्स यू अ गुड स्टूडेंट वट मेक्स यू अ गुड कैंडिडेट एवरी इज नाउ एट योर डिस्पोजल आप नए प्रोजेक्ट्स कैसे अक्वायर कर सकते हो आप स्टूडेंट होते हुए भी अर्न कैसे कर सकते हो यू द लीड आगे करना क्या है that is up to you. बस मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, एक काम जरूर कर देना क्यू ओ टी आईन टी डॉट कॉम और अपने मैसेजेस हमें लिख के भेज दो आपको एपिसोड कैसे लग रहे हैं वॉट मोर डू थिंक वी कैन टॉक अपॉन जो भी आपकी एडवाइसेज हैं, उन्हें लिख के भेजो सो वी आर एबल टू डू बेटर थिंग्स फॉर यू ताकि हम आपको और अच्छे से हेल्प कर मीट अगेन कीप कोडिंग कीप लर्निंग एंड कीप फिक्सिंग द Quotient.